नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अदानी समूह के चेयरमैन और देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी दुनिया के 12वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है। साल 2023 की शुरुआत में हिंडनबर्ग रिसर्च के हेरफेर के आरोपों के बाद उनकी नेटवर्थ में रिकॉर्ड गिरावट आई थी, जिसके बाद उन्होंने यह वापसी की है। मालदीव को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने चीन को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। भारत से दूर हो रहा मालदीव चीन की तरफ झुकता जा रहा है और विकास कार्यों के नाम पर चीन उसे भारी कर्ज का लालच दे रहा। इसे लेकर IMF ने कहा है कि चीन से भारी कर्ज ले रहा मालदीव कर्ज संकट के हाई रिस्क पर है। नवंबर में चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद चीन ने मालदीव को और अधिक कर्ज देने का वादा किया है। मोइजू पिछले महीने चीन के 5 दिवसीय दौरे पर गए थे। वहां से आने के बाद उन्होंने आर्थिक मदद के लिए चीन को धन्यवाद भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच बस कैटेगराइजेशन यानी उपवर्गीकरण की वैधता के मामले की सुनवाई कर रही है। ये मामला 7 जजों की संविधान पीठ सुन रही है, जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। आज सुनवाई का तीसरा दिन था। CJI ने आज की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसे अनुसूचित जाति कहा जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात को और विस्तार देते हुए कहा कि संविधान जो करता है वह यह है कि कुछ जातियों को अनुसूचित जाति मानता है और इस प्रकार कुछ को कृत्रिम सांचे में डाल दिया जाता है। स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन इस समय टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर वह भारतीय टीम के साथ गए थे, लेकिन दौरे के शुरुआत में ही ब्रेक लेकर वापस लौट आए थे। तब से वह लाइमलाइट से गायब है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान इस समय बड़ौदा में है। वह किरण मोरे अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वह हार्दिक पांडे और कुणाल पांडे के साथ बड़ौदा के रिलायंस स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हार्दिक भी रिहेब में है और उनके IPL में वापसी करने की संभावना है। हार्दिक मुंबई इंडियंस के कप्तान और ईशान भी इसी टीम में खेल सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि PM मोदी का जन्म OBC वर्ग में नहीं हुआ था, वे गुजरात की तेली जाति में पैदा हुए थे। इस समुदाय को BJP ने साल 2000 में OBC का टैग दिया था। उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। केंद्र की BJP सरकार की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि PM मोदी कभी जाति जनगणना नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका जन्म OBC में नहीं हुआ है, उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पूर्व PM मनमोहन सिंह की तारीफ की है। PM मोदी राज्यसभा में 56 सांसदों के फेयरवेल के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह का जिक्र कर कहा कि पूर्व PM ने जिस तरह से देश का मार्गदर्शन किया है, उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। PM मोदी ने कहा कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार सदन में नेता के रूप में और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी उनका योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद बहस में छींटाकशी वो बहुत अल्पकालीन होता है। उन्होंने सदन का और देश का मार्गदर्शन किया। जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तब उनकी भी चर्चा होगी, उनके योगदान पर चर्चा जरूर होगी। हर साल करीब 4.5 लाख करोड़ सिगरेट बर्ड्स 3,50,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है, जो स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के लिए भी घातक है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर सिगरेट के टुकड़े सबसे ज्यादा खुले में फेंके जाने वाला कचरा है। यह न केवल जमीन बल्कि नदियों, झीलों और समुद्रों तक को दूषित कर देता है। यह मछली, पक्षी और व्हेल सहित कई समुद्री प्रजातियों को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। CBSE के शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 9वीं 10वीं में छात्रों को 10 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, वहीं कक्षा 12वीं कक्षा के छात्रों को कुल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इसके साथ ही CBSE 10वीं और 12वीं के छात्रों को सभी सब्जेक्ट में पास होना होगा अनिवार्य है। इससे पहले अब तक 10वीं में स्टूडेंट अधिकतम 9 विषय चुन सकते थे, लेकिन वे 6 विषय ही चुनते थे और उनका केवल 5 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता था, लेकिन अब 10 विषय पढ़ने होंगे। वहीं CBSE कक्षा 12वीं के छात्र 7 विषय चुनते थे, जिसमें 1 विषय वैकल्पिक होता था, जिसमें 5 विषयों में छात्रों को पास होना अनिवार्य होता था। वहीं अब कुल 6 विषय का अध्ययन करना होगा। भारत में अमीरों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसका अंदाजा इस वित्त वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइलिंग डेटा के एनालिसिस से लगाया जा सकता है। जी हां, संसद में सरकार ने भी कहा है कि देश में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ है और करोड़पतियों की संख्या 31 दिसंबर 2023 तक 2.16 लाख तक पहुँच गई है।
देश में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह काफी सक्रिय हैं। ये भोले भाले आम लोगों को तो अपना शिकार बनाते ही हैं, साथ ही काफी पढ़े लिखे नागरिकों को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। मंगलवार यानी 6 फरवरी को सरकार की ओर से लोकसभा में दिए गए एक जवाब के मुताबिक साल 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के कुल 11.28 लाख मामले सामने आए। देश में साइबर फ्रॉड के मामलों में सबसे अधिक केस उत्तर प्रदेश से दर्ज हुए हैं, वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा। ब्रह्मोस देश की ताकतवर मिसाइलों में से एक है, अब इसे और पावरफुल बनाया जा रहा। भारत नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस एनजी को विकसित करने की तैयारी में है। इसे रूस के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा। 2025 तक इसके उड़ान का परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। ब्रह्मोस के निर्यात निदेशक प्रवीण पाठक ने सऊदी में डिफेंस शो में इसका खुलासा किया है। उनका कहना है कि इसके सैंपल फ्लाई 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2024 परीक्षा की तारीख पिछले ही साल जारी कर दी है। इस साल नीट यूजी 2024 परीक्षा का आयोजन 5 मई को किया जाएगा। नीट परीक्षा के होने में महज 2 महीने ही बचे हैं और अब तक एनटीए ने ना तो नीट 2024 नोटिफिकेशन के जारी होने की तारीख की है, ना ही नीट यूजी 2024 रजिस्ट्रेशन के शुरू और अंतिम तिथि की जानकारी साझा की है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो एनटीए नीट यूजी 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी हफ्ते से शुरू कर सकता है। जहां एक ओर भारत की तीनों सेनाएं मानव रहित हवाई वाहनों के विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं जंग के मैदान में हमास और हुतियों को कड़ी चुनौती देने वाला इजरायल कंपनी ड्रोन की जरूरतों के लिए कहीं ना कहीं भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रहा है। इजरायल हमास युद्ध में इजरायल की जरूरतों के लिए अब भारत की स्वदेशी कंपनी और इजरायल मिलकर ड्रोन बनाएंगे। रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के लिए हवा में ईंधन भरने वाले 6 नए विमानों का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है, जिनके लिए 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। किसी भी देश की वायुसेना के लिए हवा में ईंधन भरने की क्षमता उनके विमानों को अधिक दूरी तक जाकर काम करने में सक्षम बनाती है। इस प्रस्ताव में सीमित संख्याओं को देखते हुए इस बाय ग्लोबल श्रेणी के तहत पूर्व स्वामित्व वाले विमानों को मध्य हवा में ईंधन भरने वाले विमानों में परिवर्तित करके भी पूरा किया जा सकता है। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल निक्की हेली ने कहा है कि नई दिल्ली वर्तमान वैश्विक स्थिति में चतुराई से खेल रहा है और रूस के करीब बना हुआ है। भारत अमेरिका का पार्टनर बनना चाहता है, लेकिन इस समय वे अमेरिका पर नेतृत्व के लिए भरोसा नहीं कर रहे। मोबाइल फोन पर किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए यूजर्स को हमेशा गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है, लेकिन अब प्ले स्टोर को लेकर गूगल की मोनोपोली खत्म होने वाली है, क्योंकि पे फोन 21 फरवरी को ऐप स्टोर लॉन्च करने जा रहा। मनी कंट्रोल की खबर के अनुसार फोन पे इंडस ऐप स्टोर लॉन्च करने वाला है। साल 2024 में 86 साल की उम्र में रतन टाटा का सालों पुराना सपना पूरा हो गया है। ये सपना पेट प्रोजेक्ट का था। उन्होंने मुंबई में एक बड़ा पशु अस्पताल खोलने का सपना देखा था, जो अब तैयार हो चुका है। इस अस्पताल में मार्च महीने के शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा। इस अस्पताल का नाम टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल है। रतन टाटा ने महालक्ष्मी में इस अस्पताल का निर्माण कराया है, जो 2.2 एकड़ जमीन पर बना है। इसे बनाने में 165 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अस्पताल में कुत्ते बिल्ली खरगोश जैसे जानवरों का इलाज किया जाएगा। ये अस्पताल जानवर के इलाज के लिए 24 घंटे और 7 दिन खुला रहेगा। मेरठ पहुंचे कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि अखिलेश चाहते हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने और सच मायने में अखिलेश बीजेपी के लिए काम करते हैं। दिल्ली से कोलकाता जा रही फ्लाइट में सफर कर रहे एक एंटरप्रेन्योर ने जब देखा कि उस फ्लाइट में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सफर कर रहे हैं, तो उन्हें एक बिजनेस प्रपोजल पीच करने के बारे में सोचा। हालांकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते वह उनसे मिल नहीं सकता था। ऐसे में उसने एक पेपर नैपकिन पर अपना आइडिया लिखा और किसी तरह अश्विनी वैष्णव तक पहुंचाया। उसे लगा नहीं था कि इस प्रपोजल को लेकर बात आगे बढ़ेगी, लेकिन फ्लाइट के कोलकाता लैंड होने के 6 मिनट बाद ही उसे इस प्रपोजल पर डिस्कशन करने के लिए कॉल आ गया। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा के बाद मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला भी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बुधवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए काशी और मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद की तरफ इशारा किया था। इस मामले पर अब प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने भी बड़ा बयान दिया है। प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा है कि मथुरा और काशी में 300 वर्ष पहले मंदिर थे, उन्हें तोड़ा गया है। इन्हें तोड़ा गया यह बात बिल्कुल सही है। इसका जिक्र इतिहास की कई किताबों में भी किया गया है। यह साबित करने के लिए किसी भी सर्वे कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं है।
बिहार में 12 फरवरी को नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होगी। उन्हें विधानसभा के पटल पर एनडीए सरकार का बहुमत साबित करना होगा। नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस के कई विधायक तो हैदराबाद भी पहुंचे हुए हैं। इधर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने भी बड़ा दावा कर दिया है। राजश्री यादव ने अपने एक्स हैंडल पर मंगलवार को एक पोस्ट कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। राजश्री यादव ने लिखा है कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं। वैसे तो 4-5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधे जदयू गायब हो गई है। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग से नाराज जयंत बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोक दल की ओर से सभी नेताओं के मीडिया में बात करने पर रोक लगा दी गई है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि कोई भी नेता मीडिया में बयान ना दे, अगर वो ऐसा करता है तो वो पार्टी का बयान नहीं माना जाएगा। ग्यामी गौतम बॉलीवुड की मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस में से एक है और उन्होंने खुद को एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया है। अपने अब तक के करियर में ग्यामी ने तमाम शानदार फिल्में दी हैं। वही एक्ट्रेस अब आर्टिकल 370 से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी कर रही। आज इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का शानदार ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्री अधिकारियों से कहा है कि वे अदालत के एक हालिया आदेश का पालन करें, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि वादकारियों की जाति या धर्म का उल्लेख करने की प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। बीते 10 जनवरी को जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष अदालत, रजिस्ट्री और अन्य सभी अदालतों को अदालती मामलों में वादकारियों की जाति या धर्म का उल्लेख करने की प्रथा को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के रूप में भी मान्यता देने के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने बुधवार यानी कि 7 फरवरी को महाराष्ट्र में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाले समूह को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का नाम आवंटित किया है। मूल नाम देने के अलावा चुनाव आयोग ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली गुट को आधिकारिक चुनाव चिन्ह घड़ी भी दे दिया था। कर्ज की मार से बेहाल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो के भारत को लेकर सुर अब बदले हुए दिख रहे हैं। आईएमएफ और विश्व बैंक की चेतावनी के बाद मुइजो ने कहा है कि मालदीव किसी भी देश के साथ टकराव नहीं चाहता है। यही नहीं, मुइजो ने यह भी कहा कि मालदीव उन सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है जो उसकी सीमा को मान्यता देते हैं। मुइजो ने अपने ताजा बयान में भारतीय सैनिकों को लेकर भी हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने की बातचीत के दौरान गुस्सा दिखाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जेल से आने के बाद बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। वह लगातार सामाजिक मुद्दों पर फिर खुलकर बोल रहे हैं। मनीष कश्यप ने इस बार के पाठक को घेरा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर के पाठक को चुनौती दे डाली है। मनीष कश्यप ने कहा है कि के पाठक जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपका तरीका भी सही है, लेकिन ये बताइए कि कितने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड किया गया है? खाली टीचर पर गुस्सा दिखाइएगा, पत्ता हिलाने से कुछ नहीं होगा। जर में यहाँ दीमक लगा हुआ है, यहाँ यूरिया खाद पोटास जो डालना है डालिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हुए वाराणसी और मथुरा का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस था केवल 3 जगहों के लिए बात कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने तो केवल 3 जगह मांगी है, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या काशी मथुरा के साथ अन्याय हुआ है। उत्तर प्रदेश के हजारों किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन में उतर गए हैं। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए संसद की ओर कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर रोक दिया। बाद में पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया। इधर किसानों के प्रदर्शन से नोएडा में काफी जाम लग गया है। सरिता विहार में कई दोपहिया और 4-पहिया वाहन जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली नोएडा राजमार्ग पर भी बड़ी संख्या में वाहन जाम में फंस गए हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सुकुमार सिंह बादल, विपिन बिहारी, आनंद कुमार रविशंकर, संतोष चंदन कुमार, इंद्रजीत शर्मा, अनवर हुसैन, मोहम्मद साकिर हुसैन, साफिया अहमद, नौसाद रजा, रंजीत कुमार झा, अनुज कुमार रिजवी, रमन कुमार, धर्मवीर कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अब तक के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।